दोस्तों नमस्कार। बहुत सारे निवेदन आ रहे थे कि रेड वाटर के ऊपर वीडियो बनाया जाए। रेड वाटर नॉर्मली हम वर्ड यूज़ करते हैं, लेकिन वास्तव में कहते किसे हैं? पेशाब में खून आना। और बकरियों में पेशाब में खून आने की जो शिकायत है वो बहुत ज़्यादा होती है, और कई बार ये शिकायत बकरी की जान भी ले लेती है। बहुत बड़ी समस्या है, आप पैनल पर देख रहे हैं, रेड यूरिन की, यानी रेड वाटर। होता रेड यूरिन है, कहते हम रेड वाटर है। तो ये जो रेड वाटर है, पेशाब में खून आना, इसके बारे में आज कंप्लीट जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ रेड वाटर के लिए। देखिए, अगर हम बात करें पेशाब में खून आने की, तो पेशाब में खून आने के बहुत सारे रीजंस होते हैं, बहुत सारे कारण होते हैं, जिनमें से जो पहला कारण हमने लिया है, और वो कारण क्या है? वो है पोस्टपार्टम हीमोग्लोबिनूरिया। ये क्या होता है? ये होता है कि जब भी बकरी बच्चा देती है, तो बच्चा देने के बाद उसमें फॉस्फोरस की कमी हो जाती है, और फॉस्फोरस की कमी की वजह से फिर उसके पेशाब में खून आने लग जाता है। हालांकि ये तकलीफ बकरियों में कम होती है, गाय भैंसों में ज़्यादा होती है, लेकिन भाई जब हो जाती है ना, तो बिना जानकारी के उस बकरी की मौत हो जाती है। और अगर आपको इसकी जानकारी हो तो ईजीली ठीक किया जा सकता है। फॉस्फोरस की कमी की वजह से ये अगर हो रहा है, फॉस्फोरस की कमी की वजह से हो रहा है, तो उसमें हमें सिर्फ और सिर्फ फॉस्फोरस देना रहेगा, ठीक हो जाएगी। कुछ रासायनिक क्रियाएं वगैरह इसमें होती है, उनसे हमें कोई मतलब है नहीं। फॉस्फोरस देने से ये बीमारी ठीक हो जाती है। लेकिन भाई पहचानना जरूरी है कि पेशाब में खून आ रहा है और बच्चा देने के बाद आ रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पर हो सकता है पोस्टपार्टम हीमोग्लोबिनूरिया। अगर दूसरी हम बात करें तो वो है बबेसियोसिस। बबेसिया नाम का एक प्रोटोजुआ होता है, ब्लड प्रोटोजुआ, उसकी वजह से होती है, जिसे टिक फीवर भी कहते हैं। इसमें क्या होता है? इसमें बहुत ज़्यादा फीवर आता है, तो फीवर आने की वजह से हम इसे टिक फीवर भी कहते हैं, बबेसियोसिस भी कहते हैं। इसमें क्या होता है? इसमें तेज बुखार आता है, फीवर मतलब बुखार और पेशाब में खून। जब भी बकरी के तेज़ बुखार आता है और पेशाब में खून आता है, तो समझ लीजिए कि उसे टिक फीवर हो गया है। आप तुरंत देख लीजिए कि कहीं उसके टिक तो नहीं लगी हुई है। तो टिक लगी हुई भी हो सकती है, चाहे नहीं लगी हुई मिले, लेकिन रेड वाटर के पीछे कारण बन गया है टिक फीवर का, यानी कि बबेसियोसिस बीमारी हो गई है। और कारक क्या है? एक प्रोटोजुआ है जो कि बबेसिया के नाम से जाना जाता है। इज दैट क्लियर? दूसरा जो रीज़न है वो रीज़न आ गया बबेसियोसिस। अब अगर हम तीसरी बात करें रेड वाटर की, तो रेड वाटर की तीसरी जो बात है वो आती है बेसिलरी हीमोग्लोबिनूरिया। इसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, और इसकी वजह से बकरियों की जान चली जाती है। एक्चुअली क्या होता है, जहाँ पर बारिश के मौसम के बाद जहाँ खुला पानी पड़ा रहता है, वहाँ पर ये बेसिलरी हीमोग्लोबिनूरिया जो है वो रहता है। और वहाँ पर जब रहता है स्नेल्स वगैरह में, तो वहाँ पर जब ये रहता है, तो उस समय जब बकरी वहाँ जाएगी तो उसके अंदर घुस जाएगा, और घुसने के बाद 24 घंटे के भीतर भीतर अपना असर दिखा देता है, और एकदम से रेड यूरिन होगा, एकदम से तेज़ बुखार आएगा और बकरी की मौत हो जाएगी। ये बहुत खतरनाक बीमारी होती है बेसिलरी हीमोग्लोबिनूरिया। तो इसको भी समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसकी वजह से भी पेशाब में खून आता है और बकरी की मौत तक हो जाती है। इसके बाद अगर हम बात करें अगले टॉपिक की, तो अगला टॉपिक आता है कॉपर पॉइजनिंग। कॉपर की पॉइजनिंग होती है, और कॉपर की पॉइजनिंग की वजह से भी परेशानी। कॉपर जो कि एक जरूरी तत्व है, लेकिन ये प्रकृति ने कुछ ऐसा बनाया है कि अगर कोई भी तत्व ज़्यादा हुआ तो भी परेशानी, कम हुआ तो भी परेशानी। यहाँ पर कॉपर अगर ज़्यादा हो गया तो कॉपर की पॉइजनिंग बकरी में हो जाती है, और कॉपर पॉइजनिंग की वजह से पेशाब में खून आने लग जाता है। वहाँ पर भी स्थिति बहुत ज़्यादा भयंकर होती है, लेकिन साथ में पॉइजनिंग के लक्षण होते हैं, तो उनको हम पहचान करके और इलाज कर देते हैं, तो ठीक हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें तो वो है ट्यूमर्स। कई प्रकार की छोटी छोटी गांठें जो है वो ब्लैडर में हो सकती है, यूरिनरी ट्रैक में हो सकती है ना, ब्लैडर में या यूरिनरी ट्रैक मतलब यूरिथ्रा में या यूरेटर में, किडनी में, कहीं पर भी छोटी छोटी ट्यूमर्स हो जाती है, और इन ट्यूमर्स की वजह से भी पेशाब में खून आने लग जाता है। मेनली जो ट्यूमर होती है ब्लैडर की और यूरिथ्रा की,
ये दोनों ट्यूमर्स जो होती है उनसे बहुत बड़ा नुकसान पेशाब में खून आने का होता है। और ये जो पेशाब में खून आता है फ्रिक्वेंटली आता है। फ्रिक्वेंटली का मतलब क्या हुआ, खून आएगा, दो चार दिन आया, आपने छोटा मोटा इलाज किया, रुक गया, 10-15 दिन बाद फिर से आ गया। कभी भी PPH, बबेसिया या बैसिलरी हीमोग्लोबिनुरिया या कॉपर पॉइजनिंग का बार बार नहीं आएगा, जबकि ये बार बार आएगा। दो चार दिन आया, इलाज किया, फिर दो चार दिन, 5-10 दिन के लिए रुका, फिर से आने लग गया। इसका मतलब ट्यूमर अंदर हो सकती है। लेकिन ये जो पेशाब में खून आता है ना ट्यूमर वाला, ये अलग आता है। यानी बकरी जब भी पेशाब करेगी पहले पेशाब करेगी, उसके बाद पेशाब हमें सही नज़र आएगा, उसके बाद खून आएगा, या पहले खून आएगा उसके बाद पेशाब आएगा। कभी पेशाब सही आएगा, कभी पेशाब में खून आएगा। इसका मतलब रीज़न क्या रहा, ट्यूमर का रीज़न रहा। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है जिसे दूर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और इसके लिए अधिकतर सर्जरी ही की जाती है। कई दवाएँ भी हैं वो भी यूज़ करके ठीक किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं वैसे तो। लेकिन जब ठीक नहीं होती है तो फिर हमें सर्जरी ही करनी पड़ती है। अब अगला अगर हम कारण लें ट्यूमर के बाद का, तो ट्यूमर के बाद का अगला एक कारण होता है शरीर की गर्मी। हम कई बार क्या करते हैं, ध्यान नहीं देते हैं और बकरियों को कुछ भी खिलाते रहते हैं, कुछ भी खिलाते रहते हैं। तो अगर सर्दी के मौसम हो या गर्मी का मौसम हो, अगर गर्म तासीर की चीज़ें कंटिन्यूसली खिलाते हैं, अगर सर्दी में भी ज़्यादा गर्म तासीर की चीज़ें खिलाई जाती है तो गर्मी में प्रॉब्लम हो जाती है, और गर्मी में भी अगर ज़्यादा गर्म तासीर की खिलाई जाएगी तो पेशाब में खून आएगा। ये जो खून आएगा ना वो कुछ इस तरीके से आएगा कि जब भी बकरी पेशाब करेगी उस समय हमें लगेगा कि यार पेशाब तो सही है, लेकिन जब पेशाब नीचे गिरेगा तो नीचे गिरने के बाद हम देखेंगे तो वो ईंट के कलर का हो जाएगा, पिंकिश कलर का हो जाएगा, रेडिश कलर का हो जाएगा। तब हमें पता चलता है ये क्या हुआ, इतना लाल लाल क्या हुआ, इसका मतलब यहाँ पर बकरी ने पेशाब किया था और उस पेशाब की वजह से ये लाल हो गया। तो एक बहुत बड़ा कारण जो है वो गर्म तासीर की चीज़ें खिलाने का भी है, जिसको हम इस तरीके से पेशाब को पहचान सकते हैं। शुरुआत के जो मैंने चार कारण बताए थे आपको, उन चारों कारणों में जो पेशाब में खून आएगा वो खून मिला हुआ आएगा, यानी आपको पता नहीं चलेगा, हीमोग्लोबिन उसमें मिक्स रहेगा, आप पहचान नहीं सकते कि कहाँ पेशाब है और कहाँ पर ब्लड है। लेकिन जो आगे हमने कारण लिया था ट्यूमर का, उसमें भी अलग अलग आएगा। इसमें करते समय पता नहीं चलेगा, बाद में हमें पता चलेगा, जो चारों तरफ रेड 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 हो जाएगा तब पता चलेगा। और अगला जो एक कारण महत्वपूर्ण है वो है चोट लग जाना। कई बार गंभीर चोट जब अंदर लग जाती है, ब्लडर, यूरेटर, यूरिथ्रा, किडनी, कहीं पर भी अगर इंजरी हो जाती है, चोट लग जाती है, तो उसके कारण से भी फिर खून आने लग जाता है। वो जो खून आता है उसमें भी यही बात होती है, पहले पेशाब आएगा फिर खून आया, पेशाब आया खून आया, या पहले खून आ गया फिर पेशाब, यानी पेशाब करेगी उससे पहले खून आ जाएगा उसके बाद पेशाब आएगा। मतलब वहाँ पर भी जो हीमोग्लोबिन में RBC जो होती है वो अलग रहती है, खून अलग रहता है, पेशाब अलग रहता है, कभी मिला हुआ आएगा तो कभी अलग अलग आएगा। तो इस तरीके से हम चोट वाले को भी पहचान सकते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ये सारे जितने भी विषय हैं इनको हम गहराई से भी लेते हैं वो हमारे ऑनलाइन सेशन में लेते हैं, जो कि हर महीने की 1 तारीख से शुरू होता है, जिसमें सारी चीज़ें, सारी जानकारियां आपको डीपली दी जाती है, ताकि जो भी बकरी के प्रैक्टिशनर हैं, बकरियों का इलाज करते हैं, या जो भी गॉड फार्मर्स हैं उन्हें कंप्लीट जानकारी मिल सके। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो जो व्हाट्सएप वीडियो में शुरुआत में दिए हुए थे उन पर आप व्हाट्सएप नंबर हैं उन पर आप व्हाट्सएप करके और ज्वाइन कर सकते हैं, और ये जो सेशन है इसमें भाग ले सकते हैं। एक महीने के लिए आपको जोड़ा जाएगा और 1 महीने में बहुत कुछ आप सीख जाएंगे।